पूरे देश में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में बुधवार को ऐसी गर्मी पड़ी कि पूरे देश का रिकॉर्ड टूट गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पारा 52 के पार चला गया। इसके अलावा कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के ऊपर चला गया। हालांकि कुछ ही देर बाद मौसम ने करवट ली और आसमान में बादल छा गए। इसके बाद हुई रिमझिम बारिश के चलते दिल्ली के लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें, आज जिन क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है वो मुंगेर आपू उत्तरी पूर्वी दिल्ली इलाके में आता है। यह दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक ऐसा गांव है जो कि दिल्ली के केंद्र कनॉट प्लेस से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। दोपहर तकरीबन 2:30 पर यह तापमान दर्ज किया गया है। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो यह न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में अब तक का रिकॉर्ड किया गया सर्वाधिक तापमान है। दिल्ली NCR के लोगों पर गर्मी ने इस कदर सितम ढाया कि ऊपर वाले को भी उन पर मेहरबान होना पड़ा। बताते चलें, अब तक सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड राजस्थान के नाम था। राजस्थान के फलौदी में 2016 में 51 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो कि देश का अब तक का सबसे ऊंचा तापमान था। इससे पहले राजस्थान के अलवर में 1956 में 50.6 डिग्री पारा पहुंच गया था। बताते चलें, बीते रोज राजस्थान के शुरू में भी पारा 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था। इसी के साथ हरियाणा के सिरसा में भी तापमान 50 के ऊपर पहुंचा था। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान अपेक्षित स्तर से 9 डिग्री ज्यादा चल रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि राजस्थान में गर्मी की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच मौसम विभाग ने यह भी बताया कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति 30 मई से धीरे धीरे कम होने की संभावना है। 31 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 1 जून 2024 को लू की स्थिति होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 1 जून 2024 को लू की स्थिति होने की संभावना है। हालांकि यह भी कहा गया कि लू के प्रभाव में कमी भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। तेज गर्मी के बाद हुई रिमझिम बारिश ने लोगों को भरपूर राहत दी है। बढ़ती गर्मी के चलते मौसम विभाग ने लोगों को लू से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बता दें, उधर भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग पहुंचकर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 8302 मेगावाट पर पहुंच गई है।